हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर फोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो भी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल का। देख लीजिए क्या दिया है कि द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन द राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी के साथ में है, टू द रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। और नीचे हिंट दे रखा है, द टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू रुपीज एक्स और द कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज वाई। यहाँ पर करना क्या है, एकदम सिंपल सा काम है। एक बंदा जाता है, किसी शॉप पे जाता है और वह नोटबुक खरीद लेता है और दूसरा पेन खरीदता है। उसके बाद वो बंदा पूछता है, भैया बताइए कि जो है पेन और नोटबुक का कॉस्ट क्या है। तो बंदा बताता है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मतलब जो नोटबुक का जो प्राइस है वह पेन के प्राइस का जस्ट डबल है, ट्वाइस है। यही स्टेटमेंट है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो आपको क्या करना है, इस नोटबुक और पेन के प्राइस को से हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल का। तो वेरिएबल टू कैसे आएंगे, पहला वेरिएबल जो एक्स आएगा वो कॉस्ट ऑफ नोटबुक होगा और जो वाई हम लेट करेंगे वो कॉस्ट ऑफ पेन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेट कर लेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बना देंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक है, उस नोटबुक की जो कॉस्ट है वह रुपीज एक्स हमने ले लिया है और द कॉस्ट ऑफ अ पेन, और जो एक पेन है उसकी जो कॉस्ट है उसको हमने लेट कर लिया क्या है, वाई। एक्स आपको कॉस्ट लेट कर लेना है नोटबुक का और वाई आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा पेन का। अब इसके बाद आपको लिखना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ दे रखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक बार ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये दे रखा है कि ये आपका जो कॉस्ट ऑफ पेन है उसका ट्वाइस है। तो ट्वाइस यहाँ पर बताया है कि जो बुक का प्राइस है वह पेन के प्राइस का दो गुना है। अगर हम बुक के प्राइस को पेन के प्राइस के इक्वल रखना चाहते हैं तब क्या करेंगे, आप दो से मल्टीप्लाई कर देंगे पेन के प्राइस में, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक होगा वह इक्वल हो जाएगा टू इंटू कॉस्ट ऑफ पेन के। अब यहाँ पर जो हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स, तो उसकी जगह पर हम एक्स लिख देंगे और ये इक्वल टू हो जाएगा टू, कॉस्ट ऑफ पेन वाई था तो ये आया आपका एक्स इक्वल टू टू वाई। इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। यही बन गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यही आपको करना था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट से आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी थी, जो लीनियर इक्वेशन आपकी बन गई। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा है, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द लीनियर
इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, इसको आपको क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में चेंज करना है। जब ये चेंज हो जाए तो उसके बाद क्या करना है आपको, इंडिकेट द वैल्यू, उसके बाद आपको इंडिकेट करना है वैल्यू ए बी सी की। तो सबसे पहला काम क्या, जो भी इक्वेशन आपका दे रखा है इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद हमें इंडिकेट करना है ए बी सी की वैल्यू। ए वैल्यू होती है, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी इक्वेशन को, तो यहाँ पर ए जो वैल्यू है वह कोफिशियंट ऑफ एक्स है, मतलब जो एक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है वह ए की वैल्यू हो जाएगी, और जो y का कोफिशियंट है वह b की वैल्यू हो जाएगी, और लास्ट वाला टर्म जो कांस्टेंट टर्म जिसमें एक भी वेरिएबल नहीं है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वह हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। तो पहले आपका काम क्या है, जो भी इक्वेशन दिया है उसको आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, उसके बाद कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y, और यहाँ इक्वल के इस पार लिखा है 9.35 बार था, तो बार लगा है, तो आपको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो इक्वल के इस पार आपका जीरो ही रहता है, मतलब जो भी वैल्यू आपका इस पार लिखा हो राइट हैंड साइड में उसको आप उठा ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और ये वैल्यू प्लस की है इस साइड में आके माइनस की हो जाएगी 3.5 बार, और ये इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो आपका इक्वेशन का जो पहला वर्क था वो कंप्लीट हो गया, मतलब जो करना था हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। अब हमें इंडिकेट करना है ए बी सी की वैल्यू, तो कंपेयर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग given equation by ax plus by plus c equal to zero, कंपेयर कर देंगे। सिंपल सा काम होता है कंपेयर करना, एकदम ध्यान देना, यहां पर x का कोफिशियंट a, यहां पर देखो x का कोफिशियंट क्या है 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, और फिर दोबारा आपको देखना है y का कोफिशियंट, तो y का कोफिशियंट b, और यहां y का कोफिशियंट 3 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3, और कांस्टेंट टर्म आपका c, ये आ जाएगा माइनस 9.35 बार। तो इस तरह आपकी वैल्यू भी आ गई है a b c की वैल्यू। इसी बेसिस पे हम इसके सेकेंड पार्ट को भी करेंगे, सेकेंड पार्ट दे रखा है इसका, ये x माइनस वाई बाई फाइव और माइनस 10 इक्वल टू जीरो, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। यहाँ एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब तीन के तीनों टर्म जो हैं वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बस आपको ए बी सी की वैल्यू इंडिकेट करना है, आपको कंपेयर करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग given equation by a x plus b y plus c equal to zero। अब कंपेयर करेंगे तो यहां देखेंगे x का कोफिशियंट a है, और यहां पर x का कोफिशियंट दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा कोफिशियंट होगा, तो याद रखना अगर कोई भी टर्म ऐसा दिया हुआ है तो उसका कोफिशियंट 1 जरूर होगा, क्योंकि 1 तो आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x अगर x वाला टर्म दिया है उसके साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो उसका कोफिशियंट 1 होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1, और b की वैल्यू हो जाएगी, ये तो माइनस दिया माइनस हो जाएगा, ये y बाई फाइव है तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाई फाइव हो जाएगी, गड़बड़ लिख दिया हमने, ये 1 बाई फाइव हो जाएगा,
वाई के साथ में जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो टर्म माइनस वन बाई फाइव होगा, तो y का कोफिशियंट माइनस वन बाई फाइव है, यहाँ y का कोफिशियंट b है तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई फाइव, और कॉन्स्टेंट टर्म इसका c इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन, तो यहाँ से a b c की वैल्यू भी आ गई। तो इसके क्वेश्चन नंबर टू के एट पार्ट है, सभी सारे पार्ट आपको ऐसे ही करना है। चलिए एक करके दिखाते हैं आपको, थर्ड पार्ट देखेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्ट दे रखा है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई, यहाँ इक्वल के इस पार सिक्स दिया है, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो आएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स और इक्वल के इधर हो गया जीरो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। अब इसके बाद हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवेन इक्वेशन बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंपेयर कर देंगे तो यहां देखेंगे ए की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी और बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी थ्री और सी आ जाएगा आपका माइनस सिक्स। देखा आपको, जैसे हमने पहले दो पार्ट किए हैं इसके क्वेश्चन नंबर टू के, वैसे ही थर्ड पार्ट है। ए बी सी की वैल्यू निकलता है ए एक्स का कोफिशियंट, बी वाई का कोफिशियंट और सी कॉन्स्टेंट टर्म। इसका फोर्थ टर्म दे रखा है एक्स इक्वल टू आपका दे रखा है थ्री वाई, तो यहां पर भी आपको इधर ले जाना है तो ये x माइनस थ्री वाई हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे x का टर्म है, y का टर्म है, लेकिन कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, जबकि हमें चेंज करना है इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में चेंज करना है, तो यहां पर c वाला टर्म नहीं है तो यहां पर इसमें ऐड कर दो जीरो। जीरो ऐड करने पर इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फायदा मिल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का, तो ये इक्वल टू जीरो लिख देंगे यहां पर, ये चेंज हो गया आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का। अब कंपेयर कर देंगे इसकी, लिख देंगे कंपेयरिंग गिवेन इक्वेशन बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंपेयर करेंगे x का कोफिशियंट a है, यहाँ पर x का कोफिशियंट वन है, यहाँ y का कोफिशियंट b है और यहाँ पर y का कोफिशियंट माइनस थ्री है और c कॉन्स्टेंट टर्म ये जीरो दे रखा है, तो a b c की वैल्यू इंडिकेट करना था वो भी इंडिकेट हो गया, फोर्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रखा है 2x इक्वल टू माइनस फाइव वाई, यहाँ पर भी y वाले टर्म को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस फाइव वाई हो जाएगा, इस साइड में माइनस फाइव वाई है उस साइड में लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ गई, x का टर्म है, y का टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे प्लस जीरो, जीरो लिख देंगे, ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म का। अब इस फॉर्म का तो चेंज हो गया है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है तो वही काम, फिर से वही काम करना है हमें, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी टू और बी की वैल्यू फाइव और सी जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, तो ये आपका ए बी सी की वैल्यू इंडिकेट करना था, इसकी वैल्यू भी आ गई है। चलिए अब इसके सिक्स पार्ट को करते हैं। सिक्स पार्ट दे रखा है ये थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो दे रखा है। अब यहां पर आप देखेंगे मतलब इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड पे जीरो है वो तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे एक्स का टर्म है कॉन्स्टेंट है लेकिन वाई का टर्म नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करना है, हमें जबकि चेंज करना है इस फॉर्म का चेंज करना है तो वाई का टर्म लिखना होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, थ्री एक्स
प्लस यहाँ पर हो जाएगा जीरो और साथ में वाई लिख दो, जीरो और वाई का मतलब जीरो होता है, इसमें ऐड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें फायदा होने वाला है ये चेंज हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म का। तो प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू जीरो, इसके फॉर्म का तो चेंज हो गया है, अब इसकी कंपेयर कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवेन इक्वेशन बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंपेयर करेंगे x का कोएफिशिएंट a और ऊपर देखेंगे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म 2। तो इस तरह आपका 6 पार्ट हो गए हैं कंप्लीट, दो पार्ट बचे हैं उनको भी कर देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे 7th नंबर y माइनस टू इक्वल टू जीरो, अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां इक्वल टू के इस पार्ट जीरो तो है लेकिन उधर वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में x वाला टर्म नहीं है, तो यहां पर भी एकदम वैसे ही करना है आपको, लिख देना है जीरो एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा जीरो आपका, ऐसा हो गया। अब यहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो चेंज हो गया, वाई वाला टर्म नहीं था तो जीरो एक्स कर दिया हमने, जीरो एक्स करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया आप कंपेयर कर देंगे, लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी जीरो और बी की वैल्यू, यहां पर वाई का कोएफिशिएंट बी है, यहां वाई का कोएफिशिएंट वन है तो बी की वैल्यू वन हो जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, तो ए बी सी की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब लास्ट वाले पार्ट को करते हैं, लास्ट वाला पार्ट दे रखा है कि 5 इक्वल टू 2x, तो यहाँ इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 2x है, पहले उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, y का टर्म नहीं दिया है तो 0y लिखना है आपको और प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। तो जो ये इक्वेशन थी ये चेंज हो गई, माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0 में। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, बी आ जाएगा जीरो और सी की वैल्यू आ जाएगी फाइव। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट था वो हो गया है कंप्लीट, और इस तरह एक्सरसाइज 4.1 भी हो गई है कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 4.2 जो है वो आपको मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।